हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं साउथ कोरिया कंट्री के रिलेटेड। तो साउथ कोरिया का आप टूरिस्ट वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, तो आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक के रिलेटेड बात करने वाले हैं। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अभी अगर आप किसी भी कंट्री का अगर आप टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, मान लीजिए आप शेंगेन कंट्री में भी हैं, तो हम इंग्लैंड में भी बैठे हुए हैं, वहाँ से आप ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएसए या किसी भी कंट्री का आप टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, तो हमसे जरूर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर, या फिर आप हमारे ऑफिस में आप विजिट कर सकते हैं। तो इस टाइम मैं बैठा हुआ हूँ गाड़ी में, जब भी मुझे टाइम लगता है मैं वीडियो इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने लग पड़ता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, तो मेरे बैक साइड में जो मैं इटली की एक सिटी में बैठा हुआ हूँ, तो बैक साइड में बीच है, तो इस साइड भी कह सकती हैं बैठने के लिए काफ़ी ब्यूटीफुल कह सकते हैं एरिया, पार्क्स वगैरह। तो अभी आपको सबसे पहले आपको बाहर का व्यू दिखाते हैं, तो फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जैसा कि दोस्तों आपने बाहर का व्यू देखा, इस साइड बीच है और इस साइड पार्क्स है। तो अब स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं साउथ कोरिया कंट्री के रिलेटेड। भी साउथ कोरिया कंट्री का अगर आप टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो साउथ कोरिया का जो टूरिस्ट वीज़ा है उसके वीज़ा की कॉस्ट क्या है। तो अगर आप सिंगल एंट्री 90 डेज साउथ कोरिया का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसका जो कॉस्ट है 2800 रुपये। और अगर आप लॉन्ग टर्म सिंगल एंट्री आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसका जो कॉस्ट है ये कोई 4200 रुपये। और अगर आप डबल एंट्री कह सकते हैं वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, उसका कॉस्ट है ये कोई 4900 रुपये, तकरीबन 4900 रुपीज़। और अगर आप मल्टीप्लाई एंट्री अगर आप वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसका जो कॉस्ट है 6300 रुपये। तो ये थी साउथ कोरिया के वीज़ा के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन की है, उसकी कॉस्ट क्या है अगर आप वहाँ का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं भी अगर आप साउथ कोरिया का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ITR। आपकी जो ITR है 4 से 5 लाख अगर आपकी ITR पर वीयर के हिसाब से है, तो आप साउथ कोरिया का जो टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करने के एलिजिबल हो। तो उसके बाद हम बात करेंगे बैंक बैलेंस। जो बैंक बैलेंस काफ़ी खास है, जो बैंक बैलेंस आपका तकरीबन 5 से 6 लाख होना काफ़ी ज़रूरी है। अगर आपके अकाउंट में 5 लाख रुपये बैंक बैलेंस है, आपकी प्रोफाइल अच्छी है, आप जॉब कर रहे हैं, सरकारी जॉब या प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, और आपकी जो सैलरी है वो 50,000 से ऊपर है, 50-60,000-70,000 है, तो आप जो साउथ कोरिया का जब टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करते हैं, जो आपको मिलने के चांसेस है काफ़ी ज़्यादा है। तो उसके एक्स्ट्रा हम बात करेंगे बैंक स्टेटमेंट। जो बैंक स्टेटमेंट जो काफ़ी ज़रूरी है, अगर आपके अकाउंट में आप पैसे विदड्रॉ और डिपॉजिट करवा रहे हैं समय समय पर एवरी मंथ, तो आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो स्ट्रॉन्ग मानी जाएगी। और अगर आप बढ़िया बैंक स्टेटमेंट बनाना चाहते हैं, तो एवरी मंथ आप अपने अकाउंट में पैसे डिपॉजिट और विदड्रॉ कराते रहें, जिससे कि आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो स्ट्रॉन्ग हो सके। और सबसे पहले जो 3 चीज़ें हैं, ITR, बैंक स्टेटमेंट्स और बैंक बैलेंस, सबसे जो फर्स्ट ये डॉक्यूमेंट्स ये हैं, उसके एक्स्ट्रा आपका जो पासपोर्ट, और उसके एक्स्ट्रा कह सकते हैं जो आप जहाँ पर जॉब कर रहे हैं वहाँ से एक लेटर, NOC लेटर आपने लिखवाना है। भी आप इतनी तरीक तक आप घूमने जा रहे हैं, ट्रैवल करने जा रहे हैं साउथ कोरिया कंट्री में, तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, तो आप साउथ कोरिया कंट्री का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। और जो साउथ कोरिया कंट्री का टूरिस्ट वीज़ा मिलने के चांसेस है काफ़ी ज़्यादा रहती हैं हमेशा, क्योंकि वो एक इंडस्ट्रियल एरिया है, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वर्कर की ज़रूरत पड़ती रहती है, तो इनके लिए इसलिए वो टूरिस्ट वीज़ा ज़्यादा अप्रूवल देते हैं। तो वहाँ पर जाकर लोग उसे जीवन कार्ड में एक्सटेंड करवा लेते हैं, और वहाँ पर 4 से 5 साल जॉब करते हैं और अच्छे पैसे कमाते हैं, और वहाँ पर सैलरी भी काफ़ी अच्छी है, तकरीबन 1.5 से 2 लाख रुपए मंथली सैलरी है, और अगर आप ओवर टाइम जॉब करते हो तो 3 से 4 लाख रुपए आप कमा सकते हैं। अब हम बात करते हैं जो लोग बिजनेस करते हैं, वो अपने साथ बिजनेस के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो लगा सकते हैं, अपनी प्रॉपर्टी के लोग डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं, अपनी फैमिली के डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं, जिससे कि उनको जो साउथ कोरिया का टूरिस्ट वीज़ा मिलने के जो चांसेस है काफ़ी ज़्यादा हों।
अब हम बात करते हैं जो काफी लोगों के मन में डाउट रहता है, अभी काफी लोगों के पास जॉब नहीं रहती, कोई बिजनेस भी नहीं है, तो वो साउथ कोरिया क्या नहीं जा सकते? नहीं, वो भी जा सकते हैं, तो सिर्फ उनके लिए थोड़ा सा कह सकते हैं अपनी वो ट्रैवल हिस्ट्री पर ध्यान दें। जैसे कि वो फर्स्ट कह सकते हैं 3-4 कंट्रियां वो ट्रैवल करें, कभी आप रशिया में चले जाएं, कभी आप यूएई में चले जाएं घूमने, और कभी आप ब्राज़ील का वीज़ा अप्लाई करें। जिन कंट्रियों को जो वीज़े का जो इशू रेट है काफ़ी ज़्यादा है, तो कुछ कंट्रियां तो 100% वीज़ा आपको प्रोवाइड करती हैं। जैसे आप 3-4 कंट्रियां अगर आप ट्रैवल करते हैं, तो आफ्टर आप साउथ कोरिया कंट्री का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करते हैं, तो आपको जो मिलने के जो चांसेस है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और जब आप अपनी जो ट्रैवल हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग करते हैं, तो ट्रैवल हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग करने के लिए तो ये ना हो आप एक ही साथ में 3-4 कंट्रियां घूमें, तो आप हमेशा एवरी 3-4 मंथ्स 5-6 मंथ्स आप एक कंट्री ट्रैवल करें। तो जब आप 3-4 कंट्रियां आप ट्रैवल कर लें, तो आफ्टर आप कह सकते हैं अपना जो साउथ कोरिया का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि आप जो मिलने के जो चांसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएं। और अगर आप किसी भी कंट्री का टूरिस्ट वीज़ा स्टडी वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं किसी भी कंट्री से, मान लीजिए आप शंघाई कंट्री में हैं, इंग्लैंड में हैं, या किसी कंट्री में बैठे हैं आप, यूएसए, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूके, किसी भी कंट्री का अगर आप टूरिस्ट वीज़ा स्टडी वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप हमसे जरूर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।